الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فرض صدقة الفطر طهرة للصيام من الرفث واللغو وطعمة للمساكين أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللہ تبارک و تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے عافیت اور سلامتی کے ساتھ ہمیں رمضان کے آخر تک پہنچا دیا. غالباً یہ رمضان کا آخری دن ہے اور کچھ گھڑیوں کے بعد ہی رمضان کی جو برکتیں، رحمتیں اور نورانیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہو رہی تھیں اس کا سلسلہ ختم ہو جائے گا. گویا یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں کو نوازنے کے لیے جو آفر آئی تھی اس آفر کا یہ آخری دن ہے، چند گھنٹے باقی ہیں. مارکیٹ میں جب کوئی آفر لانچ ہوتی ہے اور اس کی میعاد مدت ختم ہونے جا رہی ہوتی ہے، آخری دن ہوتا ہے، چند گھنٹے باقی ہوتے ہیں، تو وہاں لمبی لمبی لائنیں اور قطار لگ جاتی ہے، لوگوں کی بھیڑ لگ جاتی ہے. ہر کوئی کوشش کرتا ہے کہ جو آفر مل رہی ہے اس موقع کو میں ہاتھ سے جانے نہ دوں اور کسی نہ کسی طرح اس کا خوب فائدہ اٹھا لوں. ظاہر ہے کہ یہ رمضان المبارک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں کو نوازنے کے لیے بہت بڑی آفر ہے اور اس کی چند ساعتیں ہی اب باقی ہیں، اور کسی شخص کے متعلق کوئی ضمانت نہیں ہے، چاہے وہ نوجوان ہو، ادھیڑ عمر کا ہو یا بڑھاپے کو پہنچ چکا ہو، صحت مند ہو، تندرست ہو یا بیماریوں کا شکار ہو، کہ وہ آئندہ رمضان کو بھی پا لے گا. اس لیے ہم سب کا یہ تصور ہونا چاہیے کہ یہ میری زندگی کا آخری رمضان ہے، اور زندگی کے آخری رمضان کا بالکل آخری دن ہے جس کی چند ساعتیں باقی ہیں. اور اللہ کی طرف سے جو اعلان کیا جا رہا تھا
कि हम लोहे को सोने के भाव में लेंगे। जाहिर है कि नफल का सवाब फर्ज के बराबर और फर्ज का सवाब 70 फर्ज के बराबर। अगर दुनियावी हैसियत से और मादी ज़हनियत से देखा जाए तो ये अल्लाह की तरफ से ऐलान, अल्लाह की तरफ से नवाजिश ऐसी है जैसे कि कोई बाहर फेरी वाला ये ऐलान कर रहा हो कि लाओ लोहा और लो भाव सोने का। जाहिर है कि अगर किसी भी शख्स के कान में यह आवाज़ पड़ जाए कि लोहे को सोने के भाव में ख़रीदा जा रहा है तो वो अपने घर का एक एक लोहा दाव पर लगा देगा, दीवार में लगी हुई कीलों को निकाल लेगा, दरवाज़ों की चौखट को भी निकाल लेगा, हालांकि वो ज़रूरी है लेकिन ये सोच कर के अभी मौका है, चौखटें तो सोने के ज़रिए दोबारा ख़रीदी जा सकती हैं लेकिन ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा कि कोई लोहे को सोने के भाव में ले रहा। तो अगर आखिरत के लिहाज से देखा जाए तो ये कोई मामूली अल्लाह का करम नहीं है कि वो एक नफल का सवाब फ़र्ज के बराबर दे दे और एक फ़र्ज का सवाब 70 फ़र्ज के बराबर दे दे। तो इसलिए रमज़ान का आखिरी दिन और उसकी ये आखिरी साआतें हम में से हर शख्स को चाहिए कि वो अपना पूरा जोर सर्फ कर दे कि मैं किसी न किसी तरह इस रमज़ान के अल्लाह की तरफ से नाजिल होने वाले करम को, रहमत को और बरकतों को पालूं और किसी न किसी तरह मैं अल्लाह की तरफ से रहमत का और मग़फ़िरत का मुस्तहिक बन जाऊं। अल्लाह की तरफ से जो जहन्नमियों को जहन्नम से आज़ादी दी जा रही है मेरा शुमार भी उनमें शामिल हो जाए और जो वईद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से जिब्राइल और अल्लाह के रसूल की मुश्तरक बद्दुआ के नतीजे में हम तक पहुंची है मैं उस वईद से किस तरह बच जाऊं। इंसान को चाहिए कि वो रमज़ान के आखिरी दिन में और इन आखिरी साआतों में जान तोड़ कोशिश करके अपने आप को उन बशारों को मतबशारतों का मुस्तहिक बना ले और अपने आप को उन वईदों से बचाने की मुकम्मल कोशिश कर ले। दूसरी बात ये है कि शरीयत के मिजाज से ये मालूम होता है कि किसी भी इबादत का इख्तिताम वो इस्तिग़फार के साथ होना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी नमाज से फारिग होते तो सलाम फेरने के साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान पर इस्तिग़फार के कलिमात होते थे, अस्तग़फिरुल्लाह, ए अल्लाह मैं माफ़ी चाहता हूँ, ए अल्लाह मैं तेरी मग़फ़िरत का तालिब हूँ। हज के मौके पर जब हज का
के आखिरी दिन चल रहे होते हैं, मीना में हाजियों का क़ियाम होता है, तो वहाँ हुक्म दिया गया कि अल्लाह का ज़िक्र कसरत से करो और अल्लाह से इस्तिग़फ़ार और तौबा करो। और ज़िंदगी के आखिरी अय्याम में भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस्तिग़फ़ार की तलकीन की गई। इज़ा जा नसरुल्लाह वल फ़त्ह وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ। और जब भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी मजलिस का इख्तिताम फरमाते थे तो वो मजलिस आपकी इस्तिग़फ़ार पर ख़त्म होती थी। तो अगर हमारा ये रमज़ान ख़त्म हो रहा है, रमज़ान के रोज़े इख्तिताम पज़ीर हो रहे हैं, तो हमें भी चाहिए कि हम अल्लाह की बारगाह में कसरत से इस्तिग़फ़ार करें, तौबा करें, सच्चे दिल से अल्लाह तबारक व ताला से माफ़ी मांगें। और इस्तिग़फ़ार और माफ़ी ये गुनहगारों का शेवा नहीं है। कुरान की बहुत सी आयात से मालूम होता है कि इस्तिग़फ़ार और तौबा अल्लाह के नेक बंदों की खसलत है, कि जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं तो वो कसरत से तौबा और इस्तिग़फ़ार करते हैं। कुरान मजीद ने अल्लाह के नेक बंदों का तज़किरा करते हुए कहा कि कानू कलीलम मिनल्लैल मा यहजऊन, कि अल्लाह के नेक बंदे वो होते हैं कि जिनकी रात का बहुत थोड़ा सा वक्त बिस्तर पर गुज़रता है और जिनकी रात का अक्सर वक्त अल्लाह की बारगाह में क़ियाम की हालत में, सजदे की हालत में, तदर्रो और जारी के साथ गुज़रता है। लेकिन यही अल्लाह के नेक बंदे कि जिन्होंने रातों को किसी गुनाह के काम में नहीं गुज़ारा था, जिनकी रातें गफलत में और सोने में और आराम करने में नहीं गुज़री थी, बल्कि मुसल्ले पर अल्लाह की खुशामद में गुजरी थी, रातों के क़ियाम की हालत में इनकी रात गुजरी थी, लेकिन इन्हीं के मुताल्लिक कहा गया कि वबिल असहारी हुम यस्तग़फिरून, जैसे ही सुबह सादिक हो रही होती है तो फिर ये इस्तिग़फ़ार में लग जाते हैं। तो इस्तिग़फ़ार की तौफीक भी ये कहा जा सकता है कि अल्लाह के नेक बंदों को मिलती है। वो नेकी करने के बाद इस्तिग़फ़ार करते हैं, जिनके औकात अल्लाह की इबादत में गुज़रते हैं, नाफरमानी से दूर रहकर गुज़रते हैं, लेकिन जैसे ही वो इबादत से फारिग होते हैं तो उनकी ज़बान पर और दिल की नदामत के साथ उनकी ज़बान पर अल्लाह से इस्तिग़फ़ार होता है। और कुरान मजीद की एक आयत है सूरह फुरक़ान की, सूरह मोमिनून की, वल्लदीन यूतून मा आतौ व कुलूबुहुम वजीलतुन अन्नहुम इला रब्बिहिम राजिऊन। हज़रत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अल्लाह के रसूल, इस आयत में अल्लाह जिन बंदों का तज़किरा कर रहा है कि उनके दिल खौफ से, अल्लाह की खशियत से और डर से भरे हुए होते हैं,
वो कांप रहे होते हैं, उनके जिस्म पर लर्जा तारी रहता है, उनकी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं, तो अल्लाह के रसूल क्या ये वो लोग हैं कि जो जीना में मुब्तला थे, जो चोरी कर रहे थे, जो हराम खोरी या शराब और नशे में मुलव्वस थे। अल्लदी यस्रिकु वयस्नी वयश्रिबुल खमर, कि इन्होंने चूंकि ये बड़े बड़े गुनाह किए, अल्लाह की नाफरमानी की, तो इसलिए इनके दिलों पर अल्लाह की दहशत तारी रहती है और इनके जिस्मों पर लर्जा और कपकपी तारी हो जाती है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, अल्लाह यहाँ उन लोगों का तज़किरा नहीं कर रहा है। वल्लदीना यूतूना मा आतौ, ये उन लोगों का अल्लाह तज़किरा कर रहा है कि जो नमाज पढ़ते हैं, जो रोज़ा रखते हैं, जो ज़कात और सदक़ात और खैरात देते हैं, इन लोगों का अल्लाह तबारक ताला तज़किरा कर रहा है कि ये सब इन नेक आमाल को करने के बाद इनके दिल की ये कैफियत होती है कि वो कुलूबुहुम वजीलतुन, इनके दिलों में डर रहता है, ये अंदर ही अंदर पशेमान होते हैं, नदामत के जज्बात से इनके दिल मामूर हो जाते हैं, इनकी आंखों से आंसू जारी होते हैं और अल्लाह से माफी मांग रहे होते हैं कि मालूम नहीं आखिरत में हमारा क्या बनेगा, अल्लाह ने मेरा ये अमल कबूल किया होगा या नहीं किया होगा, और मालूम नहीं मुझसे इस इबादत का हक अदा हुआ होगा या नहीं अदा हुआ होगा। तो ये नेक बंदों का शेवा है कि जब भी वो इबादत से फारिग होते हैं तो बजाय बड़ाई का इजहार करने के उनके दिल पर खौफ तारी हो जाता है और दिल की नदामत के साथ उनकी जबान और दिल पर तौबा और इस्तिग़फ़ार के कलिमात जारी हो जाते हैं। और जाहिर है कि कोई भी शख्स ये दावा नहीं कर सकता कि अल्लाह की तरफ से मुझ पर जो फरीजा आई था मैंने उसका हक अदा कर दिया। नहीं, नबी भी ये दावा नहीं करके गया, बल्कि नबी भी ये कहता था कि मा अबदना हक का इबादतिक, कि अल्लाह तेरी इबादत का जैसा हक था वो हक मुझसे अदा नहीं हो सका। और इसी बुनियाद पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी के आखिरी अय्याम में इस्तिग़फ़ार की कसरत कर दी थी और रात को लंबे लंबे सजदों में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोते थे। सहाबा तो आपके रात की क़याम की ये कैफियत बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रातों को उठकर अल्लाह की बारगाह में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे होते थे, ज़बान पर कुरान की तिलावत जारी होती थी, लेकिन उनके सीने से ऐसी आवाज आती थी जैसे कि किसी आग पर रखी हुई हंडिया की आवाज आती। क्योंकि नबी अल्लाह की अजमत को, उसके तकद्दस को जितना जानता है, खुदा की कसम नबी के अलावा कोई बड़ा से बड़ा उम्मती अल्लाह की अजमत को नहीं पहचान सकता। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा सहाबा को तंबीह करते हुए फरमाया था कि इन्नी अख्शाकुम लिल्लाहि व अत्काकुम, कि तुम ये समझते हो कि अल्लाह के कवानीन मुझ पर लागू नहीं होते,
और मैं अल्लाह के कानून का इतना मुकल्लफ नहीं जितना कि तुम मुकल्लफ हो, और मैं जो चाहूं कर सकता हूं, नहीं मैं तुमसे ज्यादा अल्लाह तबारक व ताला से डरता हूं। तो जो जितना ज्यादा अल्लाह को पहचानता है, जिसके दिल में जितनी ज्यादा अल्लाह तबारक व ताला की मारिफत होती है, वो उतना ही ज्यादा अल्लाह तबारक व ताला से डरता है। जिसका मतलब ये है कि ऐसा शख्स बेवकूफ है और ऐसा शख्स अहमक है जो चंद रकातें पढ़कर और चंद रोजे रखकर अपने जाम में ये दावा करे कि मैंने तो खूब इबादत कर ली। तो ये नेक लोगों का सेवा नहीं है, ये कहा जा सकता है कि ये मुतकब्बिरीन का सेवा है। और जिसके दिल में इस तरह की बड़ाई का ख्याल आ गया और ये बड़ाई का ख्याल कभी दिल से निकलकर जबान पर आ गया, तो खुदा की कसम वो समझ ले कि उसी दिन से उसकी बर्बादी के सामान मुहैया हो चुके हैं। फला तुज़क्कू अन्फुसकुम हुवा अअलमु बिमन इत्तका, अपने नफ्स का अल्लाह के सामने तज़किया पेश न करो कि मैं बहुत पाकबाज हूं, बहुत नेक हूं, बहुत इबादत गुजार हूं, मैंने तो पूरे रमजान के रोजे रखे, मेरी तो एक तरावी भी नहीं छूटी। बल्कि सुनन अबी दाऊद की रिवायत है, हजरत अबू बकरा रदी अल्लाह ताला अनु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यकूलन अहदुकुम इन्नी सुमतुम रमजान कुल्ला व इन्नी कुमतुल लैल कुल्ला, कि तुम में से हर शख्स, हम तुम में से कोई भी शख्स हरगिज हरगिज अपनी जबान पर यह कलिमा न लाए कि इन्नी सुमतु रमजान कुल्ला, मैंने तो पूरे रमजान के रोजे रखे और मैंने तो सारी रातें जागी। हालांकि मोमिन और अल्लाह के नेक बंदे पूरे रमजान के रोजे रखते हैं, वो बिला किसी उज्र के, तो क्या उज्र के बावजूद भी अल्लाह के इस अहम फरीजे को जाये नहीं करते, लेकिन उसके बावजूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताकीद के साथ ये फरमा रहे हैं कि ला यकूलन अहदुकुम इन्नी सुमतु रमजान कुल्ला, कोई भी ये ना कहे कि मैंने पूरे रमजान के रोजे रखे। वजह क्या है? हजरत कतादा रदी अल्लाह ताला अनु फरमाते हैं कि अल्लाहु आलम अखाफु अला उम्मती ही अत्तज़किया, या तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वजह से मना फरमा रहे हैं कि अल्लाह के यहाँ बड़ाई के बोल पसंद नहीं, अल्लाह ये नहीं चाहता कि कोई अपनी पाकबाजी अल्लाह के सामने पेश करे कि मैं बहुत नेक हूँ, मेरे से कोई गुनाह नहीं होता, मेरी कोई नमाज नहीं छूटती, मेरी कोई तकबीर उलाफोत नहीं होती, मैंने तो पूरे रमजान के रोजे रखे, रात की कोई सात मेरी गफलत में नहीं गुजरी। या हजरत कतादा फरमाते हैं कि लाबुद्द मिन गफलतिन औ रकदतिन, कि असल बात यह है कि रोजों का हक अदा करना और रमज़ान की रातों के क़ियाम का हक अदा करना ये इंसान के बस की बात ही नहीं। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है कि जिससे रमज़ान के रोज़ों की हालत में कोई लग़व काम न हुआ हो, और कोई भी ये नहीं कह सकता कि मैंने पूरी रात इस तरह जागी कि मुझ पर कोई गफलत और नींद का कोई झोंका तारी नहीं हुआ। तो इसलिए दोस्तों
रमज़ान का आखिरी दिन और उसकी आखिरी साआतें जहाँ हर एतबार से उसकी कदरदानी की मुस्तहिक है, तो वहीं दूसरी तरफ हमारी नेकी की ये अलामत होगी कि हमारे दिल में नदामत और पशेमानी भी हो, ज़बान पर तोबा और इस्तिग़फ़ार के कलिमात भी हो, और अल्लाह के सामने हम रो रहे हों, गिड़गिड़ा रहे हों कि मालूम नहीं ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान था और मैं इस रमज़ान की कद्र कर पाया या नहीं कर पाया। अल्लाह के यहाँ जहन्नम से आज़ाद होने वालों में मेरा शुमार हुआ या नहीं हुआ? कहीं ऐसा तो नहीं कि जिब्राइल और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुश्तरक बद्दुआ में मुझे शामिल कर लिया गया? तो कसरत से तोबा और इस्तिग़फ़ार की ज़रूरत है। और क़ुरबान जाइए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि आपने हमें जहाँ इबादत के तरीक़े बतलाए तो वहाँ इबादत में होने वाली कोताहियों की तलाफ़ी के तरीक़े भी बतलाए। ख़ास तौर पर रमज़ान के रोज़ों के ताल्लुक से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ये कहा गया कि सदक़तुल फ़ित्र ये वाजिब है, और सदक़तुल फ़ित्र के वाजिब होने की क्या हिकमत है? अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा की रिवायत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसकी दो हिकमतें और मसलिहतें नकल की गई। तोहरतन लिस्सियाम मिनर रफसी वल्लग्व व तौमतन लिल मसाकीन, कि ये जो अल्लाह की तरफ से और अल्लाह के नबी की तरफ से ईद की सुबह को सदक़तुल फ़ित्र को फ़र्ज और वाजिब करार दिया गया है, ये इसलिए है ताकि तुम्हारे रोज़ों में जो कमी रह गई और तुमसे जो रोज़ों का हक अदा नहीं हुआ और रोज़ों की हालत में जिस तरह तुम्हें हर लम्हा तयक्कुज़ और बेदारी के साथ और चौकन्ना रहकर गुजारना था के रोजे के मुनाफी तुमसे कोई अमल ना हो, तो उस कमी के तदारुक के लिए अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से सदक़तुल फ़ित्र फ़र्ज किया गया। जैसे नमाज में अगर गलती हो जाती, वाजिब छूट गया, तकदीम ताखीर हो गई, कोई रुकन मुकर्रर हो गया, तो इस कमी के तदारुक के लिए पूरी नमाज का इयादा करने के बजाय अल्लाह की तरफ से ये सहूलत दी गई कि सजदे सहव कर लो तो जो कमी थी वो दूर हो जाएगी और तुम्हारी नमाज मुकम्मल हो जाएगी। तो ये कहा जा सकता है कि सदक़तुल फ़ित्र की हैसियत रोज़ों के हक में ऐसी ही है जैसे कि नमाज के हक में सजदे सहव की हैसियत। अगर सजदे सहव नमाज में होने वाली कोताही और गलती का तदारुक करता है, उसकी भरपाई करता है, तो ऐसे ही सदक़तुल फ़ित्र रोज़ों में होने वाली कमी और उसकी कोताही के तदारुक के लिए फ़र्ज किया गया है। इसलिए सदक़तुल फ़ित्र कोई मामूली इबादत नहीं है बल्कि बहुत बड़ी इबादत, बल्कि ये अल्लाह की तरफ से बहुत सस्ता सौदा है कि जब हम रमज़ान के रोज़ों का हक़ अदा नहीं कर सके और नहीं कर सके, किसी भी सूरत में नहीं कर सके, तो उसकी तदारुक की यही शक्ल है कि हम सदक़तुल फ़ित्र को एहतमाम के साथ अदा करें। और दोस्तों, जब सदक़तुल फ़ित्र का इतना बड़ा फ़ायदा है
तो ये कितनी बड़ी महरूमी होगी कि हम सदकतुल फितर के लिए सिर्फ और सिर्फ गेहूं और उसकी कीमत का इंतखाब करें और ये समझें कि सदकतुल फितर तो पौने दो किलो गेहूं से निकाला जाता है और सदकतुल फितर पौने दो किलो गेहूं की कीमत से अदा हो जाता है, हो जाता है, यकीनन अदा हो जाता है। मैं यहां फतवा देने के लिए नहीं बैठा कि नहीं अदा हो जाता है, लेकिन जरा सोचें कि क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में सदकतुल फितर की अदायगी सिर्फ और सिर्फ गेहूं से होती थी और उसकी कीमत अदा करके अपने आप को फारिग समझा जाता था? नहीं। हजरत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत, आप फरमाते हैं कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में सदकतुल फितर अदा करते थे गेहूं से, खजूर से, किशमिश से और जौ से। इन चार चीजों से हम सदकतुल फितर अल्लाह के रसूल के जमाने में अदा करते थे। तो क्या हमें नहीं चाहिए कि हम इन चीजों से भी सदकतुल फितर की अदायगी करें जिनके जरिए अल्लाह के रसूल और आपके सहाबा सदकतुल फितर की अदायगी करते थे? मजीद ये बात मालूम होना चाहिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में, बल्कि आज भी मदीना में गेहूं नहीं होता है। उस जमाने में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में गेहूं मुल्क शाम से आता था और वो बहुत महंगा मिलता था और आम सहाबा तो फकत खास खास मेहमानों के लिए गेहूं खरीद कर रखते थे, वरना उनका आम गुजारा खजूर पर होता था, जौ पर होता था और खास मेहमानों के लिए वो गेहूं खरीद कर रखते थे कि उनकी जियाफत की जाएगी गेहूं से। और इसीलिए हनफिया का जो मजहब है और बाद रिवायात से साबित है कि गेहूं से सदकतुल फितर की अदायगी खजूर और किशमिश के मुकाबले में आधी कीमत के जरिए होगी, आधे वजन के जरिए होगी। यानी अगर खजूर और किशमिश से तकरीबन 3.5 किलो अदा करना है तो गेहूं से तकरीबन 2.25 किलो अदा करना है। तो उसकी वजह यह थी कि उस जमाने में 2.25 किलो गेहूं, जिसको हदीस में निस्फ सा कहा गया है, उसकी कीमत वो 3.5 किलो खजूर के बराबर होती थी। तो इसलिए वहां कहा गया कि अगर तुम सदकतुल फितर गेहूं से अदा करते हो तो खजूर के मुकाबले में आधे के जरिए अदायगी हो जाएगी। लेकिन क्या हमारे यहां गेहूं और खजूर बराबर है? यानी वहां असल मेयार गोया खजूर था, किशमिश थी और गेहूं नहीं होता था। ताहम अगर किसी के पास गेहूं था और वो गेहूं के जरिए सदकतुल फितर अदा करना चाहता था तो उनसे कहा गया कि चूंकि गेहूं तुम्हारे लिए कीमती है और महंगा है और खजूर के मुकाबले में तुमको गिरा मिलता है तो तुम उसका आधा अदा कर दोगे तो सदकतुल फितर अदा हो जाएगा। गोया असल मेयार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तर्ज अमल से और सहाबा के तर्ज अमल से मालूम होता है कि वो खजूर थी। और फिर जब सदकतुल फितर की अदायगी का इतना बड़ा फायदा है कि पूरे महीने में जो रोजों में कमी हो गई, जो लगवियात हो गई, रोजों की हालत में जो गुनाह नहीं करना चाहिए थे वो हमने किए जिसकी वजह से रोजों का हक अदा नहीं हुआ, उसकी तलाफी सदकतुल फितर के जरिए होगी और इंसान 60 रुपए, 70 रुपए और 75 रुपए अदा करे
अरे वो 5,000 भी अदा करे और फिर रमजान के 30 रोजों की तलाफी हो रही हो तो ये बहुत सस्ता सौदा है। तो इसलिए हमें इस बात की कोशिश करना चाहिए, खुसूसन जो साहिबे हैसियत हैं, जो सिर्फ पान और गुटके में पूरे दिन भर में 100-150 रुपये चाय पान में खर्च कर देते हैं, तो क्या वो इतने बड़े अजीम सवाब को हासिल करने के लिए 60-70 रुपये देकर अपने आप को फारिग समझें कि मैंने सदकतुल फित्र अदा कर दिया। जाहिर है कि ये कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है और कितनी बड़ी महरूमी कि कभी हमारे जहन में सदकतुल फित्र का नाम लेने के साथ गेहूं के अलावा किसी चीज़ का तसव्वुर ना आए, और कभी हम इस बात की कोशिश ना करें कि मैं खजूर के जरिए या किशमिश और उसकी कीमत के जरिए सदकतुल फित्र की अदायगी करूं। और दूसरी मसलिहत जो हदीस में बयान की गई है वो तो अमतन लिल मसाकीन, गरीबों और मिस्कीनों के लिए एक दिन का खाना मुहैया करना, यानी सदकतुल फित्र में इतनी मिकदार गरीब तक पहुंचना चाहिए कि वो सुबह और शाम का खाना आसानी से खा सके। रोजों के फिदिये में या कफारे में जहां भी सदकतुल फित्र के बराबर जो मिकदार की अदायगी का हुक्म आया है तो वहां कुरान तो बहुत से मकाम पर यह कहता है कि 10 मिस्कीनों को खाना खिलाओ, तो इसका मतलब यह कि सदकतुल फित्र में इतनी मिकदार और इतनी कीमत फकीर तक पहुंचना चाहिए कि वो 2 वक्त पेट भरकर खाना खा सके। अब जरा अंदाजा लगाइए कि मैंने सदकतुल फित्र में 60 रुपये दे दिए, 75 रुपये दे दिए, बहुत ज्यादा सखावत दिखाई तो 100 रुपये दे दिए, तो क्या 100 रुपये में आज के दौर में कोई गरीब 2 वक्त का खाना खा सकता है? जाहिर है कि 1 वक्त का भी खाना बमुश्किल उसको मिलेगा, मुतवस्सित दर्जे का खाना। तो इसलिए दोस्तों सदकतुल फित्र की अहमियत को हम समझें और अपनी हैसियत के मुताबिक, बल्कि कोशिश करके अपनी हैसियत से ज़्यादा, बजाय इसके कि गेहूं का भाव मालूम करें, हम खजूर की कीमत के ज़रिए, किशमिश की कीमत के ज़रिए अगर 1,000 रुपया, 1,200 रुपये, 1,500 रुपये भी अगर सदकतुल फित्र में अदा करते हैं तो जाहिर है कि ये बहुत बड़ा नफ़े का सौदा होगा कि एक तरफ पूरे रमज़ान के रोज़ों में होने वाली कोताही का तदारुक होगा और दूसरी तरफ हमारी तरफ से गरीबों और मिस्कीनों को एक दिन का खाना मुहैया होगा। तो बहरहाल अल्लाह तबारक व ताला हम सब को तौफीक अता फरमाए और हमारे लिए आसान फरमाए। रमज़ान के रोज़ों को, उसकी तरावी को, उसके क़ियाम को अल्लाह अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूल बख्शे और तौबा और इस्तिग़फ़ार के साथ और अल्लाह की तरफ रुजू के साथ हमारी आखिरी साहतें ख़त्म हों और अल्लाह की बारगाह में हमारी तरफ से मग़फ़िरत की बशारतें हों। ये इन्हीं तमन्नाओं के साथ हमें रमज़ान को ख़त्म करना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक बख्शे। आमीन। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।